गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को देख चुके थे। इंडिया की लार्ज नंबर ऑफ मेडिलेट टॉयलेट स्टे भी हो चुका था। इंडिया दी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ दी मेडिसन इन दी वर्ल्ड एक्सपोर्टर मेडिसन। आपको पता है जो भारत है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो कि मेडिसन जो दवाइयाँ होती हैं उनको बनाता है और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। हाफ ऑफ दी ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट दी एडिक्यूट फूड टू दी ईट एंड इज ऑल्सो लार्ज आर दी अंडर नॉराइज। ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं इंडिया में डू नॉट गेट एडिक्यूट फूड ईट ऑल्सो दी अंडर न्यूट्राइज। मतलब एक प्रकार से हमारे यहाँ पर जो चिल्ड्रंस हैं वो फूड को अच्छे से एडिक्यूट नहीं कर पाते और अंडर नॉर्जराइज रह जाते हैं। इन ऑर्डर टू दी प्रिवेंट ऑफ दी ट्रीट इलनेस वी नीड टू दी अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को एक प्रकार से इलनेस से बचाने, बीमारियों से बचाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हमने अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया है, कर रही है। इनमें सबसे पहले हेल्थ सेंटर है, शेल्टर को हमने प्रोवाइड किया है, हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड किया है, लेबोरेटरीज जो हमारी लेबोरेटरीज हैं उनको फॉर टेस्टिंग जो कि जाँच वगैरह करते हैं, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक ETC दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड द सर्विस दैट पेशेंट नीड। ठीक है, जिस हिसाब से पेशेंट को यहाँ पे नीड होती है उन चीज़ों की, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटी वी नीड दी हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, क्वालिफाइड डॉक्टर एंड दी अदर हेल्थ प्रोफेशनल। जिस हिसाब से हम इस चीज़ों को, इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा रहे हैं तो इनके लिए हमें क्या चाहिए, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है, नर्सेस की ज़रूरत है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। हु कैन एडवाइज दी डायगोनेस एंड दी ट्रीट इलनेस। साथ ही साथ डायगोनेस एंड ट्रीट इलनेस की भी ज़रूरत यहाँ पे हमें पड़ती है। वी ऑल्सो नीड टू दी मैकेनिज्म एंड दी इक्विपमेंट दैट आर दी नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट। साथ ही साथ जो पेशेंट हैं उनको भी एक प्रकार से ट्रीट करने के लिए बहुत ही यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। दिस फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू केयर फॉर अस। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, दैट इंडिया है लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल। आपको पता है हमारे यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं। दी कंट्री ऑल्सो दी कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड न्यू नॉलेज ऑफ रनिंग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। साथ ही साथ जो हमारा एक प्रकार से पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजबल है। दिस इज दी सिस्टम ऑफ द हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर रन बाई दी गवर्नमेंट। और ये हॉस्पिटल्स किसके द्वारा चलाए जाते हैं, यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे चलाए जाते हैं। इट हैज़ एबिलिटी टू दी लुक आफ्टर दी हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैड ओवर दी हंड्रेड्स ऑफ दी थाउजेंड ऑफ विलेजेज। वी विल गो इन टू मोर डिटेल्स एंड ऑन दिस लेटर। However, there has been phenomenal advancement in medical science whereby the many new technology and treatment procedures are available in our country. इसके बाद however the second column of the points how towards and the health situations in our country is with all above positive development we are not able to provide proper हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऑफ दी पीपल। आपको पता है हमारे यहाँ पे इतना सब होने की वजह से, इतना सब है तो भी हम अपनी अच्छी से हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं करा पाते। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।